हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अब हम चेक कर रहे हैं चैप्टर 9 का पार्ट नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। हाउ डाउट इट इज एडवांटेज टू सोल ट्रेडर, एडवांटेज ऑफ डाउट इट टू सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बाई एनी लॉ एक्सपेक्ट दैट द 44 AD, AE और AB टू हैव देयर अकाउंट ऑडिटिंग, येट इट हैज़ बिकम द कस्टमरी फॉर द मैनी ऑफ दैम हु ड्राइव दर लार्ज इनकम फ्रॉम द न्यूमरस सोर्स एंड हुज एक्सपेंडिचर इज वेस्ट एंड गैर इट टू अकाउंट ऑडिटिंग। बेसिकली ये कस्टमरी है काफ़ी सारों के लिए, और जो आपकी लार्ज इनकम है काफ़ी सारे सोर्सेज से आती हैं, और जिनके एक्सपेंडिचर्स हैं आपके वास्ट होते हैं और ये वेरी करते हैं, और आपके अकाउंट्स बेसिकली उसी के हिसाब से ऑडिटेड होते हैं। जो सोल ट्रेडर हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ड्यू टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सच एज इन्वेंट्री ब्रोकर और द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द बैंक फॉर द अप्रूवल ऑफ लोन। बेसिकली जो सोल ट्रेडर होते हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होती हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, लाइक जो इन्वेंटर ब्रोकर को चाहिए होती हैं या इंस्ट्रक्शंस आते हैं बैंक की कि आपके लोन्स के लिए हमें अकाउंट्स को ऑडिट करना पड़ेगा। जो सोल ट्रेडर है बेसिकली डिटरमाइन करते हैं स्कोप ऑफ द ऑडिट एज वेल एज द कंडीशन अंडर इट विल बी कैरीड आउट। जो आपके सोल ट्रेडर हैं वो स्कोप ऑफ द ऑडिट को डिटरमाइन करते हैं और कंडीशंस को डिटरमाइन करते हैं जिसके थ्रू वो की जा रही हैं, और इट विल ऑल्सो भी डिसाइडेड दैट द ऑडिट कैरिड आउट कंटिन्यूसली एट द एंड ऑफ द ईयर। और बेसिकली ये भी देखा जाएगा जो आपकी ऑडिट की जा रही है वो एट द एंड ऑफ द ईयर होनी चाहिए। जो ड्यूटीज़ और नेचर ऑफ द ऑडिट वर्क है वो डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट पर जो आपने एंटर किया है सोल ट्रेडर के साथ। वो बेसिकली ये भी ऑब्टेन करेगा जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाए क्लाइंट के थ्रू, और वो भी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए कि वो कैसे करेंगे और कैसे वो काम नहीं करेंगे। एडवांटेज क्या हो सकती हैं आपकी जो डिराइव करें ऑडिट ऑफ द नेचर के हिसाब से। जो आपका इंडिविजुअल है उसके अकाउंट्स आपके प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, और जो एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली आपका वाउच होना चाहिए। ये एश्योर किया जाना चाहिए जो आपके अकाउंटेंट्स हैं वो डिफ्रॉडेड ना किए जाएं एजेंट्स के द्वारा, और अगर कोई डिफ्लेक्शन हुआ है तो ऑडिटर डिस्कवर करें उसको। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए और बेसिकली एक्सेप्टेड होने चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और जो इंडिविजुअल है बेसिकली डिफ़िकल्टी अगर उसमें हो रही है टैक्सेशन रिगार्डिंग वो नहीं होनी चाहिए। ऑडिटेड अकाउंट्स हैं आपके वो आपके लिए हेल्पफुल होने चाहिए एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। स्पेशल स्टेप्स क्या हो सकते हैं ऑडिट ऑफ द सिनेमा हॉल में। सो ऑडिट ऑफ द सिनेमा हॉल कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले वेरीफाई करेंगे एंट्रेंस को सिनेमा हॉल के कि ये प्रिंटेड टिकट्स के थ्रू होनी चाहिए, और जो टिकट हैं आपकी सीरियल नंबर्ड हों और वो बुक्स में डाली जानी चाहिए। जो नंबर ऑफ द टिकट्स हैं वो इशू की जाएँ हर शो के लिए और क्लास के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, और अगर एडवांस बुकिंग है तो उसमें सेपरेट सीरीज ऑफ द टिकट इशू होनी चाहिए। इन्वेंट्री ऑफ द टिकट है वो प्रॉपर कस्टडी में रखी रहनी चाहिए, और जो टिकट है आपकी अगर इशू हो रही है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू तो ऑडिट उन सिस्टम का इंश्योर करेगा क्योंकि रिलायबिलिटी ऑथेंटिसिटी हो डेटा की जो जनरेट किए जा रहे हैं। जो सिस्टम्स हैं आपके वो एंड ऑफ द इशू आपके एक प्रॉपर स्टेटमेंट प्रोवाइड करें जो प्रिपेयर की गई है, और उसी के थ्रू अगर आपका कैश कलेक्टेड हो रहा है तो वो भी टैली होना चाहिए। अगर आपका कैश कलेक्ट डिपॉजिट हो रहा है बैंक्स में पार्शली सेम डे पे या फिर नेक्स्ट डे पे तो डिपेंड करेगा बैंक की फैसिलिटी के हिसाब से। वेरीफाई करो कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं फ्री पासिस के लिए जो इशू किए गए थे, और प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर जो क्रॉस चेक किया गया है एंटरटेनमेंट टैक्स के हिसाब से वो डिपॉजिट होना चाहिए। वेरीफाई करो जो इनकम है एडवर्टीजमेंट के थ्रू या स्लाइड शोज़ के थ्रू वो शो के पहले होनी चाहिए। ये भी वेरीफाई करो जो एक्सपेंडिचर हैं आपके पब्लिकली पिक्चर के हिसाब से मेंटेनेंस ऑफ द होल के हिसाब से दिए जा रहे हैं वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। ये भी वाउच करो जो रिकवरीज हैं आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस के हिसाब से या फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से बिल्कुल सही होनी चाहिए। वाउच द पेमेंट ऑफ द फिल्म हायर विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली आपकी जो पेमेंट की गई है एक फिल्म को हायर करने के लिए तो वो भी एग्रीमेंट के हिसाब से होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। ये भी वेरीफाई करो जो अदर इनकम का बेसिस है जिसके हिसाब से आपके रेस्टोरेंट कार स्कूटर पार्किंग वगैरह काम कर रहे हैं वो भी आपका वेरीफाई होना चाहिए सही से। और कन्फर्म करो जो डेप्रिसिएशन आपको दिया जा रहा है मशीनरी या फर्नीचर पर वो एक अप्रोप्रिएट रेट पर चार्ज होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो उसको कंपेरेबल करो एडमिनिस्ट्रेशन अमाउंट के साथ जो अदर बिजनेस या सिमिलर एसेट्स के हिसाब से काम करती है। फोकस पॉइंट क्या होंगे प्रॉपर्टी ऑडिट में कैक के द्वारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं। फोकस पॉइंट बेसिकली क्या होंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के। जो प्रॉपर्टी ऑडिट है वो बेसिकली एक्सपेंडिचर किया जाता है फाइनेंशियल विजडम और अपराइटनेस के लिए, और ये भी चेक किया जाता है कि आपके इन प्रॉपर अवॉइडेबल और फ्रैक्शनल एक्सपेंडिचर हैं
वो बेसिकली कंफर्म की जाए एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, जो ट्रांजेक्शन है वो सेटिस्फाई करे सारी रिक्वायरमेंट को रेगुलेटरी ऑडिट के, और जो आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग वो बेसिकली आपकी हाईली और वेस्टफुल होनी चाहिए। जो आपकी ऑडिट ऑफ द सेक्शंस हैं और ऑडिट अगेंस्ट द नॉर्म्स हैं वो भी पूरी तरह काम करना चाहिए, और जो क्वालिटेटिव है ओपिनियन बेस्ड एक्सप्रेशन है ऑडिट के वो बेसिकली आपके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और इकोनॉमिक डायमेंशन से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आपके कुछ मेन पॉइंट है वो कंसिडरेशन के लिए क्या क्या रख सकते हैं उनको, जो आपके एक्सपेंडिचर है वो प्राइमा फेसी नहीं होनी चाहिए इक्वेशनल डिमांड की बजाय, और जो पब्लिक मनी है वो बेसिकली ऑफिसर्स के द्वारा स्पेंड की गई है तो उसकी डिलीजेंस और केयर करो। जो सेंक्शन है एक्सपेंडिचर्स का वो एक अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए जिसका रिजल्ट बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली गेन करेगा। जो आपकी पब्लिक मनी आ रही है वो यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए बेनिफिट ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन के लिए, और जो अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर है वो इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, और जो क्लेम है बेसिकली आपका कोर्ट ऑफ लॉ में जो एनफोर्स किया जा रहा है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और जो एक्सपेंडिचर हैं आपके रिकनाइज पॉलिसी और कस्टम्स के हिसाब से वो भी डिपेंड करते हैं। जो अमाउंट ऑफ द अलाउंसेज हैं लाइक ट्रैवलिंग अलाउंसेज ग्रांटिंग टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ पर्टिकुलर टाइप वो रेगुलेटेड होने चाहिए अलाउंसेज के थ्रू, और उन्हीं से सारा काम आना चाहिए। और बेसिकली जो प्रॉफिट आ रहा है किसी अथॉरिटी या एनीबॉडी से वो एक्सपेंडिचर आपका कंपनसेटिंग नेचर का होना चाहिए। जो आपकी वेस्टेज अवॉइडेड की जा रही है एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से या एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर के लिए ऑलरेडी होनी चाहिए, और जो एक्सपेंडिचर आपका प्री लोकेट किया गया है वो बिना किसी करप्शन के होना चाहिए, और जो एक्सपेंडिचर बेसिकली आप ब्रिंग आउट ऑप्टिमम में लेके आए हो उसमें बेनिफिट होने चाहिए आपके पब्लिकली और मनी के लिए। मेंशन एनी स्पेशल 10 पॉइंट्स टू बी एग्जामिन बाई यू इन द ऑडिट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन टू रनिंग ए हॉस्पिटल। फाइल ऑडिटिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग ए हॉस्पिटल फॉलोइंग स्पेशल पॉइंट मे बी एग्जामिन। वेरीफाई द रजिस्टर ऑफ द पेशेंट विद द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द बिल्स एंड द पेशेंट एडमिशन रिकॉर्ड टू सी दैट द बिल हैव प्रॉपरली रिकॉर्डेड। तो वेरीफाई करो बेसिकली रजिस्टर ऑफ पेमेंट्स को डुप्लीकेट कॉपीज़ के थ्रू, और आपकी जो ये देखने के लिए जो बिल्स हैं प्रॉपरली आपके प्रिपेयर किए गए हैं और प्रॉपरली मेंशन किए गए हैं या नहीं। कैश कलेक्शंस देखो पेशेंट से जो आई है उनको रिसिप्ट इश्यूज के साथ ट्रैक करो जो कैश बुक में डाले गए हैं। रिसिप्ट ऑफ द इंटरेस्ट देखो, रेंट देखो, डिविडेंड देखो जो आपके काउंटर फॉइल ऑफ द कैश बुक के साथ बनाए गए हैं, और इंश्योर करो कि आपकी सारी इनकम है सही से अकाउंटेड होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ द सब्सक्रिप्शन देखो, डोनेशन देखो जो आपका रिसिप्ट इश्यूज के थ्रू हुआ है और वो सही से कैश बुक में जाना चाहिए। वेरीफाई करो जितने भी ग्रांट आपको गवर्नमेंट से मिले हैं या दूसरी बॉडीज़ के मिले हैं वो दूसरे अकाउंटेड कर दिए गए हैं और वो अप्लाई किया गया मैटर एज स्पेसिफाई। वेरीफाई करो जितने भी रिकरिंग नेचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो बेसिकली बिल और अथॉरिटी पेड के हिसाब से डाले गए हैं। एग्जामिन करो इंटरनल चेक को और जो रिसिप्ट और इश्यू ऑफ द स्टोर्स हैं मेडिशन हैं और लीनर है वो इंश्योर करने के लिए कि वो आपके प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं। डेप्रिसिएशन देखो ये रिटर्न ऑफ किया गया है सारी एसेट्स के रिगार्डिंग एक अप्रोप्रिएट रेट पर और एक मेथड पर जितना पॉसिबल हो सके। वेरीफाई करो रिसिप्ट्स को जो आपके सप्लाई ऑफ फूड से आ रहे हैं या कैंटीन रिसिप्ट्स को देखो और कंपेयर करो उनको प्रीवियस ईयर से नंबर ऑफ पेशेंट्स के हिसाब से। एंश्योर करो जितने भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ आपकी पे की गई हैं या जितने भी एक्रूज इनकम हुई हैं रिसिप्ट्स के रिगार्डिंग वो पूरी तरह आपकी अकाउंटेड कर दी गई हों। ऑब्टेन करो इन्वेंट्री और स्टॉक्स को ये देखने के लिए कि आपकी फिजिकल जो परसेंटेज ऑफ आइटम हो सही से ली गई है या नहीं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ऑडिट अगेंस्ट द रूल्स और ऑर्डर्स। ऑडिट अगेंस्ट द रूल्स और ऑर्डर्स एम्स एट टू एंश्योर दैट एक्सपेंडिचर कंफर्म टू द रिलेवेंट लॉ रेगुलेशन एंड द ऑर्डर्स। बेसिकली ये चीज़ देखने के लिए किया जाता है कि एक्सपेंडिचर आपका रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से किया गया है, और इस फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए काफ़ी सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है। दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी लॉ। ये बेसिकली उससे कंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए अगर कोई भी आप प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हो किसी लॉ के अंडर। ये बेसिकली एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं होनी चाहिए ऑडिट और अकाउंट्स की जो कैग ने डिटरमाइन की है। ये बेसिकली कंफ्लिक्ट ऑफ द ऑर्डर के हिसाब से नहीं होनी चाहिए जो हायर अथॉरिटी ने हमें दिया है। ये बेसिकली कोई सेपरेटली अप्रूव्ड नहीं होना चाहिए कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के द्वारा, और जो इश्यूइंग अथॉरिटी है उसको एक नेसेसरी रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए कि हाँ मैं इस हिसाब से एक रूल मेकिंग पावर बनाऊंगी। स्टेट द बैकग्राउंड ऑफ द लोकल बॉडीज ड्राफ्ट एंड ऑडिट प्रोग्राम फॉर कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द लोकल बॉडीज। ए म्यूनसिपैलिटी कैन डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट इन द अर्बन एरिया बाय द टर्म लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑर्डिनरी अंडरस्टूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकेलिटी। बेसिकली आपकी जो सेल्फ गवर्नमेंट है लोकेलिटी तक सीमित है, जो आपके विलेज हो गए, टाउन हो गए, सिटीज़ होगी, या बेसिकली आपका स्टेट हो गया, और जो रिप्रेजेंट कर रही है आपके लोकल इनहेबिटेंट्स को फेयरली हुज लार्ज ऑटोनॉमी रेजिंग एटलीस्ट द पार्ट ऑफ रेवेन्यू थ्रू द लोकल टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग इट्स इनकम।
और बेसिकली जो म्यूनसिपल गवर्नमेंट है वो कवर करती है 5 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द अर्बन लोकल अथॉरिटीज़, जिसमें आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आ गए, म्यूनसिपल काउंसिल्स आ गए, नोटिफाई एरिया कमेटी मेंबर्स आ गए, जो ऑडिट प्रोग्राम फॉर द लोकल बॉडीज़। तो लोकल फंड्स हैं आपके ऑडिट के, वो स्टेट गवर्नमेंट का जनरल बेसिकली चार्ज में होते हैं, और जो ऑडिट ऑफ द म्यूनसिपल अकाउंट्स हैं वो किया जाता है। जो बिगर आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है दिल्ली मुंबई, उनको पावर होती है अपने ऑडिटर्स अपॉइंट करने के, रेगुलर एक्सटर्नल ऑडिट कराने के लिए। जो ऑडिटर है ऑडिट करते हुए लोकल बॉडीज़ को रिपोर्ट करते हैं फेयरनेस ऑफ द कंटेंट एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं सिस्टम की फाइनेंशियल कंट्रोल में, वो बेसिकली फॉलो करते हैं लीगल अथॉरिटीज़ को आपकी और एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को, जिसके थ्रू आप पूरी वैल्यू रिसीव कर रहे हो। जो ऑडिटर्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं जो एक्सपेंडिचर आपके इनकर्ड किए गए हैं रेलेवेंट प्रोविजंस के हिसाब से होने चाहिए और फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होने चाहिए। इंश्योर करो सारे टाइप ऑफ द सेंक्शन स्पेशल और द जनरल कॉम्पिटेटिव अथॉरिटीज़ के द्वारा आने चाहिए, और ये भी इंश्योर करो कि जो प्रोविजंस हैं फंड का या एक्सपेंडिचर का इनकर्ड हो रहा है प्रोविजंस के थ्रू, आपका ऑथराइज होना चाहिए कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी से। जो ऑडिटर ये चेक करो कि डिफरेंट स्कीम्स हैं और प्रोग्राम्स हैं वे बेसिकली लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से इनकर्ड होने चाहिए और आपको बेसिकली एक अच्छे रिजल्ट्स वो प्रोवाइड करें। यू आर अप्रोच बाय द पार्टनरशिप फर्म टू लिस्ट आउट द एडवांटेज डेट विल एक्यू टू देम इफ द अकाउंट्स आर ऑडिटेड, देन स्टेट द फाइव इंपॉर्टेंट एडवांटेज एडवांटेज ऑफ द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या हो सकती है। ऑडिटेड अकाउंट प्रोवाइड ए कन्वीनियंट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ द सेटलिंग द अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिस्प्यूट कैन बी मिटिगेटेड। बेसिकली अकाउंट्स को ऑडिट करना एक कन्वीनियंट और रिलायबल मीन प्रोवाइड करते हैं कि आपके अकाउंट जो सेटल हो सकें पार्टनर्स के बीच में और आपकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ द डिस्प्यूट्स हों कम हो सके। ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर ऑडिटेड अकाउंट कॉन्स्टिट्यूटेड रिलायबल एविडेंस फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं आपके वो एक रिलायबल एविडेंस दे सकें आपको, जिसके थ्रू आप कंपीट कर रहे हो रिटायरिंग पार्टनर से। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो जनरली एक्सेप्टेड किए जाते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा एसेसेबल इनकम कंप्यूट करने के लिए। ऑडिटेड अकाउंट रिलाय करते हैं बैंक्स का एडवांसिंग लोन करने के लिए। ऑडिटेड अकाउंट हेल्पफुल हो सकते हैं नेगोशिएशन ऑफ द सेल्स और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के लिए। ये इफेक्टिव सेफ गार्ड होता है अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए जो वर्किंग पार्टनर्स ले रहे हैं एज अगेंस्ट द नॉन वर्किंग ऑडिटर। स्टेट एनी फाइव स्पेशल पॉइंट्स विद यू एज एन ऑडिटर वुड यू लाइक वेल एग्जामिन द इनकम टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ फंड बाई एनजीओ एनजीओ इन प्रोवाइडिंग द रिलीफ फॉर द फ्लड विक्टिम्स। सो बेसिकली एनजीओ से इनकम जो कलेक्शंस हैं तो वो क्या हो सकते हैं, ग्रांट डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट। जो आपको बेसिकली डोनेशन और कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहे हैं गवर्नमेंट्स या एनजीओ से, इंडस्ट्री या पब्लिक से, वो चेक किए जाने चाहिए आपके ग्रांट लेटर के थ्रू, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू और प्रॉपरली अकाउंटेड के थ्रू। जो फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं आपके वो चेक किए जाने चाहिए कॉरस्पॉन्डेंट रिसिप्ट इश्यूज के थ्रू, और जो आपके इंश्योर कर रहे हैं कि सारे कॉन्ट्रीब्यूशन RBI गाइडलाइन के हिसाब से होने चाहिए सेपरेट बैंक अकाउंट में। जो कोई भी फंड आपका रेज हुआ है कल्चरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम या इंटरनल कंट्रोल के थ्रू वेरीफाई होना चाहिए जो आपके अथॉरिटी अकाउंटेबल है उनसे, और इंश्योर करें सारे कलेक्शंस बेसिकली डिपॉजिट की गई हों बैंक में। ये भी देखो कि जो आपकी फ़ीस रिसीव हुई है मेंबर के थ्रू वो रजिस्टर ऑफ द मेंबर में डाली गई है या नहीं, जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट में हेल्ड किया गया है या नहीं। बेसिकली ये देखो हाउ व्हाट द स्टेप्स वुड यू टेक इन कंसिडरेशन ऑडिटिंग द रिसिप्ट ऑफ द फ्रॉम द पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी कंसिडर्ड, एग्जामिन द इंटरनल चेक सिस्टम एज रिगार्ड विद द रिसिप्ट ऑफ द बिल फ्रॉम द पेशेंट्स। बेसिकली आपको बिल्स मिलने चाहिए पेशेंट्स के थ्रू, रजिस्ट्री देखो पेशेंट्स की, कॉपी ऑफ द बिल इश्यू टू देम जो उन्हें किए गए हैं, वेरीफाई करो सिलेक्टेड पीरियड को जिसमें पेशेंट की अटेंडेंस और रिकॉर्ड और बिल्स करेक्टली रिपेड हुए हैं, बिल्स देखो जो इशू किए गए पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ हॉस्पिटल हैं, कलेक्शन देखो जो एंटर की गई कैश बुक के थ्रू वो बेसिकली काउंटर फॉल और अदर एविडेंसेस के हिसाब से सही है, टोटल इनकम को कंपेयर करो बस स्टेट से और रिपोर्ट करो मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट वेरिएशंस के लिए, एक्सप्लेन करो पावर ऑफ द सीजी इन कनेक्शन विद परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। जो कंट्रोलर जनरल ओडिया होता है उसको बेसिकली पावर होती है परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट के रिगार्डिंग, इनफेक्ट करता है कर सकता है किसी भी ऑफिस को अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली कोई भी अकाउंट को देख सकता है किसी भी टाइम पे किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, और क्वेश्चन पुट कर सकता है किसी भी ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग जो उसके इंचार्ज में आती है, और जो ऑडिट है वो पावर होते हैं उनको डिस्पेंस करने की कोई भी अगर डिटेल ऑडिट हो रही है या कोई भी अकाउंट्स हो रहा है क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही है, और जो लिमिटेड चेक उनके रिलेशन में दिए जाते हैं वो बेसिकली डिटरमाइन किए जाते हैं। स्पेशल ऑडिट पॉइंट्स क्या होते हैं जो कंसिडर किए जा सकते हैं ऑडिटर के द्वारा ऑडिट ऑफ द हॉस्पिटल में, जो बेसिकली ऑडिट ड्यूरिंग द हॉस्पिटल है ये हैं इनकम फ्रॉम द सर्विसेज,
vouch the register for the patients with the copies of bill issued to them. बेसिकली रजिस्टर करो पेशेंट्स को जो उनको बिल इशू किए गए हैं. वेरीफाई द बिल फॉर द सिलेक्टेड पीरियड विद द पेशेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड टू सी दैट द बिल्स हैव बीन करेक्टली प्रिपेयर्ड. वेरीफाई करो सारे बिल्स को जो पेशेंट्स की अटेंडेंस की गई है और बिल जो बेसिकली करेक्टली प्रिपेयर किए गए हैं. बिल्स जितने पेशेंट्स को इशू हुए हैं वो रिकवर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ हॉस्पिटल. कलेक्शन ऑफ द कैश, कैश कलेक्शंस देखो जो कैश बुक में एंटर की गई हैं रिसिप्ट के हिसाब से. काउंटर फॉल और दूसरे एविडेंसेस को चेक करो और कॉपीज ऑफ द पेशेंट बिल देखो. इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ये भी देखो जो प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्स हैं और जितने भी इनकम्स हैं और रिसीव किए गए हैं रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. लीगेसी देखो जितने भी लीगेसी और डोनेशन आए हैं वो अप्लाई किए गए मैनर में. रिकनसिलेशन सब्सक्रिप्शन देखो सारे कलेक्शन सब्सक्रिप्शन को देखो डोनेशन के थ्रू या कैश बुक के थ्रू जो भी आए हैं उनको रिकनसाइल करो टोटल सब्सक्रिप्शन को जो आपके काम के हिसाब से किया गया है. सारे परचेजेस और एक्सपेंसेस और वेरीफाई करो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को जो इनकर किए गए प्राइवेट सेंक्शन में ट्रस्टी के द्वारा और जो अपॉइंटमेंट और इंक्रीमेंट है वो आपका ड्यूली ऑथराइज हुआ है हमें. वेरीफाई करो ग्रांट्स को जो गवर्नमेंट से रिसीव हुई है और रिफंड करो टैक्सेस और सोर्सेज का जो क्लेम हुए हैं. जो बजट्स हैं बेसिकली आपके आइटम्स के एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से वो बजटेड होने चाहिए और मैनेजमेंट कमेटी को रिपोर्ट किए जाने चाहिए. एग्जामिन करो इंटरनल चेक्स को जो रिसिप्ट और इश्यू ऑफ द स्टोर्स के हिसाब से हुए हैं. जो मेडिसिन लिनन एपरेटस क्लोथिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा आपको दिए गए हैं उसका इंश्योर करो कि वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं इन्वेंट्री रजिस्टर में. जो डेप्रिसिएशन है वो रिटर्न ऑफ किया गया हो सारी एसेट्स के रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट रेट के हिसाब से. रजिस्टर जो शेयर स्क्रिप्ट्स हैं या टाइटल डीड्स आपकी प्रॉपर्टीज़ की उनको बेसिकली एंटर करो कि प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में सही से डाला गया है. ये देखो जो स्टॉक्स और स्टोर्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर उनको परसेंटेज ऑफ द आइटम चेक करो और जो कंपेयर करो उनको टोटल वैल्यूज से. प्रॉपर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस देखो और सर्टिफिकेट्स देखो जो आपके वेरियस एक्सपर्ट्स के हिसाब से किए गए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. प्रोसीजर अडॉप्ट करो जो ऑडिट के रिगार्डिंग वाइल ऑडिटिंग द लीजिंग ट्रांजेक्शन एंटर इनटू बाय द लीजिंग कंपनी. लीज ट्रांजेक्शन के केसेस पे कैसे कैसे ऑडिट्स होती हैं. जो ऑब्जेक्ट क्लोज होता है लीजिंग कंपनी का वो ये देखो तो गुड्स लाइक कैपिटल गुड कंज्यूमर ड्यूरेबल और द कंपनी इज अंडरटेकिंग द सच एक्टिविटीज़ वो सारी चीज़ें आपकी कर रही हों. जो प्रोसीजर आपका फॉलो किया गया हो एसरटेन करने के लिए क्रेडिट एनालिसिस ऑफ लेसिस एबिलिटी टू मीट द कमिटमेंट अंडर द लीज. बेसिकली आपकी पूरी कमिटमेंट्स को फॉलो किया गया है क्रेडिट एनालिसिस के लिए और पास क्रेडिट रिकॉर्ड्स के लिए. जो लीज एग्रीमेंट आपका एग्जामिन किया गया हो सारे पॉइंट्स को नोट किया गया है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसर उसमें डाला गया है इक्विपमेंट और लोकेशन डाली हुई है वहाँ पर आपका इक्विपमेंट स्टोर किया जाएगा और अमाउंट ऑफ द टेन्योर ऑफ लीज डाला गया है रेट ऑफ पेमेंट डाली गई है लेट चार्ज डाला गया है यहाँ पे और जो इक्विपमेंट है आपके रिटर्न किए जा रहे हैं लेसर को वो टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट और कॉस्ट बाय द लेसी ये सारी चीज़ें डाली गई हैं. ये देखो जो एग्रीमेंट आपका प्रोहिबिट किया जा रहा है लेसी के द्वारा वो बेसिकली इक्विपमेंट और अथॉरिटीज़ के हिसाब से सबलेटिंग हुआ है. एग्जामिन करो लीज प्रपोजल्स को जो सबमिटेड किए जा चुके हैं लेसर के द्वारा. एंश्योर करो इनवॉइस बेसिकली रिटेन की जा रही है सेफ्टी और लीज के अकॉर्डिंग वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आ रही है. एग्जामिन करो असेंप्टन लेटर्स जो आपको ऑब्टेन हो रहा है लेसी से वो इंडिकेट करें कि इक्विपमेंट आपके रिसीव हुए हैं और एक्सेप्टेबल हैं लेसी के द्वारा. बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइज करो जो पर्टिकुलर डायरेक्टर को दिया जा रहा है और कॉपीज ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी देखो जो लेसर ने दी अपने रिक्वेस्ट के लिए. ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द स्टोर्स एंड इन्वेंट्री हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑडिट विद रेफरेंस टू द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एंट्रस्टेड टू द कैग. जो ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑडिट विद रेफरेंस टू द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑडिट इज कंडक्टेड टू एसरटेन वेदर द रेगुलेशन गवर्निंग द परचेज इशूज और द कस्टडी स्टोर्स आर डिवाइज एंड प्रॉपरली कैरिड आउट. द एम इज़ टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट मिड एफिशिएंसी ऑफ द स्टोर्स एंड डिफेक्ट इन द सिस्टम कंट्रोल. यदि स्टोर्स में अगर कोई डिफेक्टिव सिस्टम है तो उसको आपको गवर्नमेंट ऑडिट में दिखाना पड़ेगा. ऑडिट ऑफ द परचेज ऑफ द सॉरी कंडक्ट इन द सेम मैनर. बेसिकली ऐसे किया जाता है ऑडिट ऑफ द स्टोर्स का जैसे एक्सपेंडिचर का ऑडिट होता है प्रॉपरली सेंक्शन होना चाहिए इकोनॉमिकल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए. जो आपके सर्टिफिकेट क्वालिटी और क्वान्टिटी दिए जा रहे हैं वो इंस्पेक्शन के बाद दिए जाने चाहिए और अन इकोनॉमिकल परचेज जितनी भी की जा रही है वो आपकी डिफेक्टिव और इंफीरियर क्वालिटी के हिसाब से होनी चाहिए. जो ऑडिट ऑफ द रिसिप्ट और इशूज़ हैं वो बैलेंस चेक होने चाहिए एक्यूरेसी और करेक्टनेस के हिसाब से और जो अगर कोई एक्सेस इन्वेंट्री बैलेंस आता है तो उसको बेसिकली इंश्योर को एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए. और अगर आपका वैल्यूएशन हो रहा है इन्वेंट्री का और केयरफुली वो दिखा रखा है तो उसको टैली करो फिजिकल अकाउंट से और लॉसेज और वैल्यूएशन इन्वेंट्री के या किसी और कोर्स से हो रहे हैं उनको कैरी आउट करो.